सर आज आपका निरीक्षण है, क्या रहा कुछ निर्देश दिए? ये हमारा वार्षिक निरीक्षण है रेलवे जीआरपी थाने का, तो इसमें रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए होली के त्यौहार के अवसर पर एक तो कार्रवाई सतर्क करने के लिए इनको बताया गया है। जहर पुरानी चोरी की घटनाएं हो और रेलवे के द्वारा कोई ट्रांसपोर्टेशन ऐसा इलीगल शराब करने हो और कोई पैसे करने हो चुनाव के दौरान, तो उसमें सतर्क करने के लिए इनको बताया गया है। और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी कैमरे हैं जो हैं और पुलिस की बंदोबस्त है, उसको सतर्क सजग रहने के लिए इनको अवगत कराया गया है। थाने में जो पिछले वर्षों से माल है, मुकदमे हैं, उनसे संबंधित कार्रवाई पेंडिंग है, उनके बारे में चर्चा की जा रही है इनसे, और जो भी कोर्ट में से संबंधित मामले हैं उनको भी तत्परता से कार्रवाई करने के लिए कर्मचारियों को बताया जा रहा है। सर, ट्रेन तस्करों के लिए बड़े मुफीद साधन बन गई है, तस्करी पे लगाम लगाने के लिए क्या किया जा रहा है? तस्करी में लगाम लगाने के, क्योंकि इसमें आरपीएफ जीआरपी हमारा जॉइंट इसको काम करता है और अपना इंटेलिजेंस हम सादे वस्त्रों में भी अपना आदमी भेजते हैं, तो सोना का भी स्मगलिंग करते हैं, कई बार पकड़े भी गए हैं, पैसा भी यहाँ से पकड़ा गया है। आपने देखा होगा पिछले महीने में सोना भी पकड़ा था, काफ़ी मात्रा में 2-3 किलो सोना पकड़ा गया था और कैश करेंसी भी पकड़ी गई थी। तो समय समय पर जो सूचना मिलती है उस पर कस्टम अधिकारियों को बुला के, इनकम टैक्स वालों को बुला के हम कार्रवाई करते हैं और उसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। तो ट्रेनों को कोई भी स्मगलिंग का साधन नहीं बनाए, कोई शस्त्रों के यातायात नहीं करे और चुनाव के दौरान इसका मिसयूज नहीं करे, कोई आतंकवादी घटना नहीं हो, इसके लिए हम बार बार सतर्क करते हैं इनको। ट्रेन का प्रॉपर एस्कॉर्ट हो, ट्रेन की प्रॉपर चेकिंग हो, यात्रियों से इंट्रैक्शन हो, इसमें एक अनाउंसिंग सिस्टम हमने दिया है इनको सबको कि चलती ट्रेन में हमारा एस्कॉर्ट अनाउंस करेगा किसी भी यात्री के सामान के बारे में, स्टेशन के पहुंचने के बारे में, और उससे यात्री अलर्ट हो जाए अगर कोई उसके साथ कोई घटना हुई है तो उसमें कार्रवाई के लिए वो बताएगा। इसके साथ तो 100 डायल नंबर हमारा काम कर रहा है जीआरपी का, पहले ज़िले में था, तो जो भी रनिंग ट्रेन में कोई घटना होती है तो तत्काल हम उसको 10-15 मिनट में अटेंड कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेशन पर और उस पर उसकी रिपोर्ट लिख के उस पर कार्रवाई करते हैं, चाहे महिला डिब्बे में कोई शिकायत हो या दूसरे डिब्बों में कोई विकलांग डिब्बों में शिकायत हो, तो उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है। कालिया चक से अफीम की तस्करी भारी मात्रा में की जा रही थी, इन दिनों में पता नहीं चल पा रहा, क्या तस्कर के हौसले ध्वस्त हो गए हैं या मुखबिर आपको पर्याप्त सूचना नहीं? नहीं, इसमें दोनों, क्योंकि अलर्टनेस तो इसमें 24 आवर की जरूरत पड़ती है और काफ़ी मात्रा में, क्योंकि कार्रवाई की गई है प्रिवेंटिव में और अच्छी मात्रा में रिकवरी भी की गई है, तो उससे वो चौकन्ने हो गए कि पुलिस के कब उनको धरपकड़ कर सकती है। और क्योंकि जो भी अगर गुप्तचर रूप से ले जा रहा है तो कहीं कहीं तो पकड़ा जा जाता है, तो इसलिए वो इस तरह से गड़बड़ी नहीं करें, उस पर हमारी सतर्क नज़र है। इंस्पेक्शन पाया, तो
जब तक मंदिर है जब तक वो शहर नहीं होता। हाँ जी आर पी में पोस्टेड है आपके।